एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल हर्षिता एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम देखेंगे हमारी जो चैप्टर 7 है, मेक इट शॉर्टर क्लास टू इंग्लिश मेरी गोल्ड बुक से, उसकी एक्सरसाइज। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में सबसे पहले है क्वेश्चंस, तो हम उसके आंसर्स देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड अकबर ऑर्डर वन डे। अकबर ने एक दिन क्या ऑर्डर किया था, क्या आदेश दिया था। सो वन डे अकबर drew a line on the floor and ordered his ministers to shorten the line without rubbing out any part of it. अकबर ने क्या ऑर्डर दिया था, अकबर ने ज़मीन पर एक लाइन ड्रॉ की थी और अपने सभी मिनिस्टर्स को बोला था कि इस लाइन को छोटा करना है, लेकिन बिना टच किए हुए, बिना रब किए हुए। ओके, सो दिस इज द आंसर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, वॉट डिड ईच मिनिस्टर डू। तो जब अकबर ने ऑर्डर किया तो सभी मिनिस्टर्स ने क्या किया। So the answer is, each minister looked at the line in a puzzled way. No one could think of a way to make it shorter as per the king's order. तो राजा की बात सुनके सब लोग पजल हो गए, कंफ्यूज हो गए, और किसी को भी ये नहीं पता चल रहा था कि हम करें क्या इस लाइन को छोटा करने के लिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड बीरबल मेक द लाइन शॉर्टर। बीरबल ने उस लाइन को शॉर्टर कैसे किया, छोटा कैसे बनाया। सो बीरबल ड्रॉ अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट वन विदाउट टचिंग द फर्स्ट लाइन। उसने क्या किया था, उस लाइन के नीचे दूसरी एक बड़ी सी लाइन बना दी, जिसके कारण पहली वाली लाइन ऑटोमेटिक छोटी हो गई। ओके, नाउ नेक्स्ट इज से अलाउड। हियर यू कैन सी सम वर्ड्स, सो विच लेटर्स कैन नॉट बी हर्ड वेन वी से दिस वर्ड्स। यहाँ पे आपके पास कुछ वर्ड्स हैं, तो आपको ये बताना है इन वर्ड्स को बोलते हुए कि इसमें ऐसे कौन से लेटर्स हैं जो साइलेंट हैं। साइलेंट मतलब जब आप इस वर्ड्स को बोल रहे हो तो उसकी आवाज़ हमें नहीं सुनाई देती है। ओके, तो जैसे हम बोलते हैं शॉर्ट, तो शॉर्ट जब बोलते हैं तो हमको आर का साउंड नहीं आ रहा है। ओके, तो इसी तरह से ये आपको खुद करना है। जब आप खुद करेंगे तो एक प्रैक्टिस होगी। अगर आपको ये खुद करने के बाद भी आपको नहीं पता चलता है तो आप मुझे एक मैसेज डालें, कमेंट करें, मैं आपके लिए वापस से इसकी जो वीडियो है वो वापस से लेकर आऊँगी। ओके, तो इसी तरह से ये सभी जो लेटर्स हैं, इसमें जितने साइलेंट लेटर्स मतलब सारे वर्ड्स के साइलेंट लेटर्स हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, नेक्स्ट यू कैन सी हियर टी टाइम, डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड ड्रॉ पिक्चर्स टू शो द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको टीम में मिलके काम करना है। क्या करना है, आप देखिए, द बॉल ऑन द लेफ्ट साइड इज बिगर देन द वन ऑन द राइट। तो इस बॉक्स में लिखा है राइट और इस बॉक्स में लिखा है लेफ्ट। तो जो बॉक्स आपको दिया है तो जो डायरेक्शन दी है वहाँ पे आपको उस इमेज को ड्रॉ करना है। क्या बोला है, द बॉल ऑन द लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट ये लिखा है, तो यहाँ पे आपको एक बॉल बनानी है। अब क्या लिखा है, द बॉल ऑन द लेफ्ट साइड इज बिगर देन द वन ऑन द राइट, तो राइट साइड पे एक छोटी बॉल होगी और लेफ्ट साइड पे उससे बड़ी बॉल है। ओके, इस तरह से आपको करना है। नाउ सेकंड, आप देखो, रीटा इज शॉर्टर देन राधा। तो रीटा इस बॉक्स में लिखा है, राधा यहाँ पे लिखा है, तो रीटा क्या है, शॉर्टर मतलब छोटी है। किससे छोटी है, तो राधा से। तो यहाँ पे रीटा को बनाएंगे और यहाँ राधा को बनाएंगे। नेक्स्ट आप देखो, रघुस बास्केट इज हैवियर देन रतन्स। तो ये यहाँ पर रघु है फर्स्ट बॉक्स में, सेकंड में रतन है, तो रघु का जो बास्केट है वो हैवियर है, हैवियर मतलब ज़्यादा भारी है, किसके से, रतन की बास्केट से। ओके, एंड द फाइनल वन इज रजत इज टॉलर देन राज। रजत क्या है, टॉलर, टॉलर मतलब ज़्यादा लंबा है, तो ये रजत लिखा है। तो यहाँ पे आप एक लंबा लड़का बनाओ जिसका नाम रजत है, और किससे वो लंबा है, राज से, तो राज को आपको यहाँ छोटा बनाना है। ओके, इस तरह से आपको करना है। अब हम आगे मूव होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पिक्चर स्टोरी है, और इस पिक्चर स्टोरी का नाम क्या है, द माउस एंड द पेंसिल। आप चाहते हैं मैं स्टोरी को बताऊं, अगर आप चाहते तो ज़रूर बताऊंगी। चलो, वन डे अ लिटिल माउस वॉज लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट, ही फाउंड अ पेंसिल। ये स्टोरी आपने मेरे ख्याल से सुनी होगी, लेकिन मैं वापस से बता देती हूँ, बिकॉज बच्चों को स्टोरी सुनना बहुत पसंद होता है। एक दिन की बात है, एक छोटा सा जो माउस होता है उसको खाने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो इधर उधर चीज़ें ढूंढ रहा होता है। ही फाउंड अ पेंसिल, तो उसको क्या मिलता है, एक पेंसिल मिलती है। आई एम गोइंग टू बाइट यू, तो उस पेंसिल को पकड़ के बोलता है कि मैं तुम्हें बाइट करूंगा, मैं तुम्हें खाऊंगा। सेड द माउस एंड ही बिट इट हर्ड, और ऐसा बोल के वो उस पेंसिल को पकड़ के एक बाइट भरता है, मतलब यानी एक मतलब उसको काटता है। यू आर हर्टिंग मी, सेड द पेंसिल। तो जैसे ही माउस उसको बाइट भरता है,
पेंसिल जो बोलती है, यू आर हर्टिंग मी, तुम मुझे दर्द करा रहे हो, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, लेट मी ड्रॉ यू वन लास्ट पिक्चर एंड देन यू कैन डू वॉट यू लाइक. तो बोलती है पेंसिल, बोलती है तुम मुझे एक काम करने दो, तुम मुझे मेरा एक लास्ट पिक्चर ड्रॉ करने दो, उसके बाद तुम मुझे खा लेना. वेरी वेल, सेड द माउस. तो ऐसी बात सुनकर जो माउस होता है बोलते हैं ठीक है चलो, तुमको एक लास्ट पिक्चर ड्रॉ करनी है, इट्स ओके, मैं तुमको ड्रॉ करने देता हूँ. द पेंसिल ड्रू अ बिग सर्कल. पेंसिल ने क्या किया, एक बड़ा सा सर्कल बनाया. इज दैट अ चीज, आज द माउस. तो माउस ने पूछा क्या ये चीज है. ओके, वी विल कॉल इट अ चीज, सेड द पेंसिल. तो पेंसिल ने कहा हाँ हम इसे चीज कहते हैं. एंड इट ड्रू थ्री लिटल सर्कल्स इन साइड द बिग वन. और उसने बड़े सर्कल के अंदर तीन छोटे छोटे सर्कल बना दिए. दैट्स एन एप्पल, स्क्वीक द माउस. तो माउस उसे देख के बोलता है क्या ये एप्पल है. स्क्वीक मतलब चिल्लाया वो, क्या ये एप्पल है. लेट्स कॉल इट एन एप्पल, सेड द पेंसिल. तो पेंसिल ने बोला चलो इसे भाई एप्पल बोल लेते हैं. एंड इट बिगेन ड्रॉइंग सम फनी कर्व्ड थिंग्स नियर द सेकेंड सर्कल. और फिर वो सेकेंड सर्कल के आगे पीछे कुछ कर्व्ड लाइन सर्कल इस तरह से वो ड्रॉ करने लग गई. Why those are cucumbers? said the mouse, licking his lips. तो जैसे जैसे पेंसिल ड्रॉ कर रही थी, माउस इन सभी चीज़ों को देख कर उसको भूख लग रही थी, तो वो अपने क्या करने लगा, लिप्स को लिक करने लगा. लिकिंग मतलब होता है चाटने लगा. I wish you had hurry. I simply can't wait to get my teeth into them. और उसको इतनी भूख लगी थी, वो बोलने लग रहा है कि तुम थोड़ी जल्दी करो, तुम थोड़ी जल्दी से अपनी ड्राइंग फिनिश करो, क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे खाना है. द पेंसिल ड्रू टू लिटिल ट्राइंगल्स. अब पेंसिल ने दो ट्राइंगल्स बनाए. कहाँ बनाए, ऑन द टॉप सर्कल, जो बड़ा ऊपर जो सर्कल था उसके ऊपर उसने दो ट्राइंगल्स बनाए. ओह ओह, स्क्वीक द माउस. और ये देख के जो माउस है वो चिल्लाया, नाउ यू हैव मेड इट लाइक अ कैट, डोंट गो ऑन. तो उसने क्या बोला, तो ये तो एक माँ और ये तो एक कैट लग रही है, प्लीज इसको और मत बनाओ. बट द पेंसिल वेंट ऑन. लेकिन पेंसिल ने बात नहीं सुनी. टिल इट हैड ड्रॉन लॉन्ग विस्कर्स एंड अ माउथ ऑन द टॉप सर्कल. और उसने अपनी ड्राइंग पूरी कंप्लीट करी, उसने विस्कर्स यानी कि मूछें बनाई, उसने माउथ बनाया. ओके, एंड द माउस क्राइड आउट इन टेरर, इट्स अ रियल कैट, हेल्प. और माउस डर के मारे, टेरर के मारे, टेरर मतलब डर, डर के मारे वो चिल्लाने लगा, रोने लगा, बोले हेल्प करो, ये तो वाकई में रियल कैट है. नाउ सी इफ़ यू कैन ड्रॉ अ कैट दैट लुक्स रियल इनफ टू फ्राइटन अवे द माइस. ठीक है, तो यहाँ पर जो पेंसिल है उसने क्या किया, उसने जो कैट बनाई थी वो वाकई में रियल हो गई और वो माउस के पीछे भागी. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको मज़ा तो आया होगा स्टोरी सुन के. नाउ डिस्क्राइब द कैट इन योर ओन वर्ड्स. तो आपको डिस्क्राइब करना है कि पेंसिल ने कैट कैसे बनाई थी. तो ये बॉक्स में आप लिख सकते हो, लाइक द कैट हैज़ अ राउंड फेस विथ टू लॉन्ग अपराइट ईयर्स एंड फोर विस्कर्स नियर हर माउथ. शी हैज़ फोर लेग्स, शी इज़ वाइट इन कलर विथ अ लॉन्ग टेल, शी इज़ वेरी फैट एंड इज ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर माइस. तो इस तरह से आप पैराग्राफ जो कैट है इसको डिस्क्राइब कर सकते हो. ओके, फर्दर यू कैन सी इन द नेक्स्ट पेज अ पेंसिल कैप. यहाँ पे एक एक्टिविटी है, आपको कुछ चीज़ें चाहिए, आपको एक पेंसिल कैप बनानी है, ये सारी चीज़ें, तो ये आप खुद से बना सकते हैं. ओके, और अपनी पेंसिल को सजा सकते हैं. एंड फाइनल जो पेज है उसमें आप देखें एक सेंटेंस आपको दिया है, अ कैट ऑन द मैट. तो इसे आपको ट्रेस करना है और इसको लिखना है. आप ट्रेस करेंगे तो आपकी जो हैंडराइटिंग है वो काफ़ी इम्प्रूव होगी, और इस तरह से ट्रेस करते करते आपको बोलना भी है, अ कैट ऑन द मैट. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आप सभी को एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. बाय बाय.